कहाँ? ओ माय गॉड, जाओ पकड़ के लो। वो जा रहा ओ भाई साहब, पहले ना यहाँ पे शिवलिंग था। हाँ अच्छा, हम लोग शादी के बाद सब नई दुल्हन यहाँ पे शिवलिंग पे जल चढ़ाने आते हैं। ये है जैसे वहाँ पर था सीढ़ीदार से, मुझे तो सीढ़ीदार है बट यहाँ पानी नहीं है तो ये पूरा सूख चुका है। क्या हो गया, क्या हो गया? सूअर आ गया। भालू, भालू कह रहे हैं उसे। क्या है? कोई कह रहा है भालू है, कोई कह रहा सूअर है, पता नहीं। ओ भैया, मम्मी पागल हो गए क्या? ये जानवर आ गए हैं, ये पूरे पेड़ ही तोड़ के खा रहे हैं, हद्दी हो गई। बताओ गाइस, हम लोग जा रहे हैं, इनका कोई एक नौला है जहाँ से ये लोग पानी लाया करते थे पहले, बहुत मतलब 25-30-35 साल पहले की बात, उससे भी ज्यादा पुरानी बात होगी। ये मैंने पकड़ना है, हाथ में दिक्कत कर रहा है। और ये मैं ले आ रही हूँ काफल तोड़ने का, काफल मिल जाएगा एक बार तो पन्नी लेकर आएगी। हाँ मिल जाएगा तो अच्छा है। तो मम्मी लोग पीछे पीछे, हम कब से आवाज आ रहे हैं, मम्मी तो अपनी वो जो कजिन सिस्टर्स है उनका वेट कर रही है। तो एक मौसी और है हमारे साथ, वो हमारे साथ चल रही है, और एक मौसी और आ रही थी। अच्छा बहुत लोग आ रहे हैं पीछे, तो लाइन लगी हुई है, धीरे धीरे आ रहे हैं सब लोग। तो हम जा रहे हैं मौसी के साथ इनका नौला देखने के लिए। तो मौसी बहुत सारी चीजें बता रही थी कि इन लोगों का पहले टाइम पे यहाँ पैदल जाया करते थे, लेकिन अब डर लगती क्योंकि तेंदुआ वगैरह बहुत आ रहा है। अभी पीछे हम आ रहे थे तो लोग कह रहे थे कि ज्यादा उधर को मत जाना, तेंदुआ मतलब यहाँ बाघ बोलते तेंदुए को। नहीं नहीं दोनों अलग है। नहीं नहीं यहाँ पर ना इधर तेंदुए को ही बाघ, बाघ जो हुआ वो लाइन वाला हुआ। नहीं नहीं वो तेंदुआ नीचे है, ये की बात कर रहा हूं। लेपर्ड नीचे है। नहीं लेपर्ड को ये लोग बाघ कहते हैं यहाँ पे, ये लोग कहते हैं गांव में, ये गुलदार कहते हैं। मतलब एक्चुअली जो प्लेन्स में जो लोग बोलते हैं ना वो गुलदार बोलते हैं, और इधर गांव में क्या बोलते हैं ना, इधर गांव में तेंदुआ हो तो होता है। हाँ। तो तेंदुए को ये लोग तेंदुआ नहीं बोलते, बाघ बोलते कि बाघ आ रहा है। तो अभी हम लोग इधर को जा रहे हैं, प्रॉपर बाघ है यहाँ पे, बाघ दो बाघ है यहाँ घूमते हैं वो लाइन वाले। अच्छा तो मैंने बचपन में खूब देखे हैं यहाँ पे। हाँ तो ये पूरा देखो ना गाइस, देखो पूरा जंगल है ये, ये चारों तरफ जंगल है। ये तो किस्सा सुना रही थी, यहाँ ये खरीक था। हाँ। पे आगे आगे मेरी खरीक मीन्स जहाँ गाय भैंस रहते हैं। हाँ। अच्छा हम खरीक बोलने की आदत है। हाँ। और वहाँ पे सिंचे। हाँ। ये नौले से हम आए। हाँ। सबसे आगे मेरी मम्मी। हाँ। के पीछे मैं, मेरे पीछे मेरा छोटा भाई, और उसके पीछे कुत्ता, कुत्ते के पीछे बाघ। अच्छा। हम वहाँ से लेके यहाँ तक तो आ गए अब। हाँ और मैं पीछे मुड़ मुड़ के अपनी मम्मी को बार बार यही कहती, मम्मी कुछ तो आ रहा है, पहाड़ी तो आती नहीं थी। हाँ। और कुछ तो आ रहा, मम्मी कह रही क्या रहा है। अब यहाँ पर ना शियार बहुत होते हैं। हाँ लोमड़ी स्टाइल से बोल दिया क्या आम नोल। अब शाव का यहाँ तक आ गए, अब ना यहाँ पे आके जब बाघ बैठ गया नीचे और कुत्ता बैठ गया ऊपर से, जब मेरी मम्मी ने पीछे देखा तब पता चला बाघ खड़ा है पीछे। मम्मी के तो आवाज ही बंद हो गई, मम्मी तो हुर्च हुर्च करना शुरू। तब वहां से चाचा लोग पता वो लेके आए कंटा। हाँ, हाँ, पहाड़ी। यहाँ क्या होता है कि जब बाघ तेंदुआ कुछ भी है तो जो घर में बर्तन होते हैं उसको बजा दो जोर जोर से, डाड़ुओं से या फिर करछी से, जो आपके हाथ में उसे बजा दो, उसे भाग जाता है कहते हैं। मतलब ये कहावत है और करते भी है लोग यहाँ पे, तो वही कहावत बता रही है मौसी। ऐसे बेसिकली मौसी यहाँ पली बड़ी कमी है। सिर्फ आप कितने साल तक रहे हो बुआ मौसी गाँव में? पौने दो साल के आसपास। हाँ उसके बाद फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी, तो इसीलिए वो बोल रही कि मुझे पहाड़ी तो आती नहीं थी, तो जब गांव आती थी तब की किससे बता रही है अपनी। और अब हम जा रहे हैं नौरा देखने के लिए। मेरे गांव में भी तो एक बाघ ने अटैक किया था। किस पे? किसी लेडी पे, नानी बता रही थी। हाँ। कि लेडी का सिर्फ स्कैल्प मिला, बाकी पूरी बॉडी खा चुका। मेरे गांव में क्या? हाँ हाँ अच्छा। हाँ यहाँ होता है ऐसे, अगर आदम खोर हो जाए तो फिर वो आदमियों को ही खाता है, फिर जानवर नहीं खाता। तो उसको मारना भी जरूरी। हाँ फिर वो वन विभाग वाले आके मार देते हैं। ये बाबरे मौसी है तो बिल्कुल जंगल वाला रास्ता है। हेमंत देख रहे हो प्रॉपर जंगल रास्ता है, कुछ नहीं है इधर। मेरे दोस्त बोलते हैं। हाँ और यहाँ साहब। अच्छा वो है नौला, वो गाइस वो रहा नौला। चलो चलते हैं, अब तो पूरा रास्ता ही खराब हो गया। नहीं रास्ता ये है ना मामी मौसी, ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर से ये वाला रास्ता है, ये रास्ता है, हम गलत रास्ते में जा रहे हैं। पत्तिया दार तू गदर। हाँ गधेरा, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, जहाँ नहाते थे कपड़े धोते थे पहले टाइम पे, गधेरा यहाँ से आता है जब बारिश होती है ना तब। हाँ है ना मजा। ये देखो गाइस, ओहो कपड़े फटेंगे आराम से आना सब लोग।
आराम से, तुम पीछे से बना लो, तुम आ रहे हो तो मैं तो आराम से ही आ रहा हूं। यहां पे करौंदे के पेड़ भी थे पता है, करौंदा क्या होता है? चलो चलो चलो, उसका देखो बरगद का पेड़। कौन सा ये? तो हमने खेला है, बहुत खेला, बरगद और पीपल साथ है, बरगद और पीपल दोनों का पेड़ साथ में। ये हमारे कहते हैं बुड़बुबू ने इनकी शादी भी करवाई थी यहाँ पे। शादी? हाँ। पेड़ों की शादी भी होती हाँ, है फिर बहुत मान्यता होती है बड़ पीपल की, तो मतलब बरगद की शादी पीपल के पेड़ से करते हैं, कुछ है इसी के साथ में हो दोनों पता नहीं, उगाते हैं जब भी बड़ होगा वहाँ पीपल होगा। अच्छा ऐसे। तो दोस्तों ये है हमारा पहाड़, एंजॉय करो ट्रैकिंग, भयंकर जंगल है ये तो, ट्रैकिंग आप लोग एंजॉय करो, हम लोग भी कर रहे हैं। वैसे मन से हम अकेले जा रहे हैं, दो चार लोग और आने देते हैं। वो आएंगे अभी, पर बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, इसमें स्लो मोशन नहीं चला रहा है। ये रान वाला और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आता है गधेरा, जब बारिश आती है तो यहाँ पर सिर्फ पानी, बहुत तेज पानी आता है, सब बहा के ले आता है। जा रहे हो ऊपर? देखो रास्ते कैसे रखे हैं, मैं नहीं आ रहा, तू फोन लेके जा, मुझे बना। ये हमारे नकली पहाड़ी जो चले गए वापस, इतने पे बस ये काटे ना चुभ रहे हैं पैरों में, सीधे थोड़ा सा सेफली आना पड़ेगा। आप तो बहुत तेज चले गए वहां से। ये पले बड़े का मेरा ससुराल तो ऐसी चोटी पे है। हाँ आपका भी ऐसे ही है, इधर सबके ससुराल चोटियों पे ही है। ओह यहाँ पानी नहीं है, लेकिन सूख गया सारा, इसमें सीढ़ियाँ थी उन सीढ़ियों। एक थंबनेल आ रहा तुम आते तो, पहले ना यहाँ पे शिवलिंग था। हाँ अच्छा, हम लोग शादी के बाद सब नई दुल्हन यहाँ पे शिवलिंग पे जल चढ़ाने आते, वो कहते हैं ना कि कुआ पूजन जैसे प्लेन्स में होता है, यहाँ पर हमारे यहाँ नौला पूजन। हाँ नौला पूजन वहाँ आते थे, अब वो शिवलिंग वहाँ मंदिर में स्थापित कर दिया। हाँ मैं देखा, तो अब जब शादी होगी तो उधर आएंगे मंदिर में। हाँ वहीं पे नल भी है, सब वहीं पूज लेते हैं अब तो। यहाँ तो यहाँ कौन आएगा। हाँ बट पानी नहीं है यहाँ पर अंदर। ये देखो मैं आपको अंदर दिखाती हूँ, ये है जैसे वहाँ पर था सीढ़ीदार से, मुझे तो सीढ़ीदार है बट यहाँ पानी नहीं है, तो ये पूरा सूख चुका है, बहुत पुराना पीछे, अब वो टूट गया। थमने के लिए मैं भी तो होनी चाहिए, मैं हूँ। ये देखो बाप रे इतना पुराना है ये। हमारे यहाँ क्या होता है, जब भी नई शादी होती है दो तीन दीवार होते हैं, एक तो नई डलिया खरीद के दुल्हन को घास काटने भेजते हैं, और एक नौले पर लाते हैं, फिर वहाँ पर से पानी लेकर आती है वो लोटे में, फिर अपने ससुराल वालों को पिलाती है। कुछ दो चार रिवाज हैं जो जरूरी होते हैं शादी के बाद, बट प्लेन्स में तो वो चीज़ मिलती है तो वहाँ तो होता नहीं है, सब गाँव में करते हैं लेकिन अभी भी। गाइस हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, कहाँ जाने के लिए पता है? माता जी के स्कूल, जहाँ से मम्मी ने पांचवी तक पढ़ाई की थी, यहाँ का गवर्नमेंट शिक्षा ग्रहण की है, प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट। कहाँ तक पढ़े मम्मी? एट्थ क्लास तक यहाँ पढ़ी हुई है, और लेको सीधी लंबी चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई है। जो हमारे साथ आई थी वो चले गई, और अब दूसरा ग्रुप आ चुका है, वो नीचे से आ रहा है। देखो यहाँ से 8-10 लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। अरे इधर को आप, अरे वो तो पढ़े बड़े हैं आप, उनको क्यों रास्ता समझ में आएगा, वो यहीं तो रहे हैं गांव में। अच्छा। चलो चलो, इतनी लंबी चढ़ाई कौन चढ़ेगा? बड़ी चढ़ाई है, कैमरे में दिख रही है ऐसे? हाँ दिख रही है। कोई रास्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना मम्मी आप स्कूल ऐसे जाते थे क्या? उत्तराखंड में रहते थे, तुम्हें तो बहुत मजा आता होगा। आओ दोस्तों तुम्हें मजा दिलाएं, आओ। गधेरे से पानी लाना पड़ता होगा मेरे मेरे कई सारे दोस्तों। हाँ। इसके जो जिद करते हैं, मतलब जिद क्या करते हैं, जिन्हें मैं भी बोलता हूँ चलो घुमा के लाऊं तुम्हें, मतलब मजा आता है। सिर्फ यहाँ पर एक चीज अच्छी है, एक साफ आपकी हवा है। ये चीज गलत बोल रही है, जो हफ्ते भर घूमने आ रहा है ना उनके लिए मजा है ये। नहीं नहीं हवा तो साफ है ना, हवा पानी सब साफ है, बाकी आपको हर चीज में आपको यहाँ पर दिक्कतें हैं। पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर नीचे, वहाँ बाग आ रहा है, कहीं पर झाड़ियाँ हैं, कहीं पर दुकानें नहीं है, सामान की दिक्कत है, बहुत चीजें हैं जो है। अब तो बहुत सही हो गया है, स्ट्रगल बहुत है। अब तो सब वॉशरूम है, सब है, पहले तो इनके वॉशरूम वगैरह भी नहीं थे, पानी की दिक्कतें थी, हर चीज की दिक्कत है। सबसे पॉश एरिया में इसी का घर है गांव में। हाँ, जिसके जिसके घर के आसपास सारी चीजें फैसिलिटीज अवेलेबल है, सब सामान मिलेगा मेरे घर में, सारी फैसिलिटीज है, सारी फैसिलिटी हमारे वहाँ मिलेगी, बाकी जगह आपको ऐसे ही मिलेगा। ये घनघोर जंगल और कुछ नहीं। क्या हो गया, क्या हो गया? सुअर आ गया, भालू भालू कह रहे हैं गाइस, कुछ आ गया इनके पीछे। मैंने बोला था यहाँ बाघ वाग रहते हैं, ये दौड़ते क्या है, अरे वो दौड़ते वो आगे सब ऊपर को, बड़े धीरे धीरे चल लेता। क्या है, क्या है रेनू मौसी, क्या है? कोई कह रहा है भालू है, कोई कह रहा है सुंदर है, पता नहीं।
बाप रे देख लो ट्रैकिंग जंगली भालू मार देते हैं। ट्रैकिंग की स्टार्टिंग ही इतनी डरावनी हुई है। यहाँ पर नीचे से आया है, यहाँ से जा रहे थे वो नौरा देखने के लिए जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ से दौड़ते हुए वापिस आ गए। जब मैंने सुना चिल्लाने की आवाज जोर जोर से सब लोगों की, तब पता चला कि ये कुछ इनके पीछे से आ गया। चलो ये हमारा ग्रुप वहां से चालू हो रखा है, चालू है। हाँ भालू वालू आएगा, चलो ग्रुप में चलो जो भी है चलो। जंगली सुअर भी अटैक करते हैं भाई। गाइस इनको काफल का पेड़ मिल गया। ये कह जा रहे काफल तोड़ने, हम जा रहे काफल तोड़ने। ये पूरी देख रहे हो, ये पूरी ये कर रखी है इन्होंने। बाप रे रास्ता देख रहे हो, शिट बाप रे। ये है काफल का पेड़ यहाँ से। मम्मी मेरे को छोड़ गई। ओ भैया मम्मी पागल हो गए हो क्या? आराम से आराम से। हेमंत दिखाना आराम से। पागल हो गए तू? ओए मम्मी हेमंत पकड़ो ना, मुझे भी देना है, पकड़ो। जा जा जा। ये पहाड़ों के, ये पहाड़ों के मजे, इसे कुछ नहीं मिल रहा। मम्मी से मांग। ये जानवर आ गए हैं, ये पूरे पेड़ ही तोड़ के खा रहे हैं, हद ही हो गई। बताओ टेस्ट करा एक, कैसा है? देखो खट्टा हो रहा है लेकिन ज्यादा पका नहीं है। सास बंदर बन गई वो तो पूरी पेड़ पे चढ़ी हुई है, पता नहीं है। देखो ये जो काफल होता है बता तो दे, ये उत्तराखंड का फेमस फ्रूट है, फेमस फ्रूट है, बहुत ही मुश्किलों से मिलता है जंगल में जा जाके। अगर वो उस गाने में भी बेड़ू पाको, बेड़ू पा नहीं, बेड़ू पाको तो बेड़ू है ना, काफल पाको एक लाइन आती है ना उसमें। अब क्या हो गया? सांप कहाँ है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे लो ना वीडियो बनाओ ना, बना रहे। मैं दौड़ नहीं पा रही पहाड़ में। अरे इनको देख रहे हो सबको? रुक जाओ जाओ मुझे भी आने दो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कहाँ कहाँ? ओ माय गॉड, दो है वो, दो ना दी नीचे एक कछु जो ये बहुत बड़ा है, पर वो ओ बाबा रे कोबरा है, कोबरा है, कोबरा फन वाला। ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है आज? अरे मत जाओ यार वहाँ पे। चलो दो हैं यार, दो हैं, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आओ नीचे, आओ दो छाते के नीचे। सबसे पहले उसने देखा, मैं वहाँ जा रहा है। सागर ने बच्चों इधर आ जाओ, व्लॉग में दिखा। वो सांप दिख नहीं रहा, वो दो सांप हैं। इधर आ जाओ बेटा, दिख रहा है क्या? बच्चों इधर जाओ, पकड़ के लो। ओए 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 ओए, दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। मैं दिखाता हूँ, वो देखो, वो दिख रही है उसकी पूंछ, दिख रही है वो हिल रहा है। देखो तो कोबरा है गाइस। मम्मी मम्मी मत करो, पत्थर मत मारो बच्चों, पत्थर मत मारो, ये पागल है क्या ये? मम्मी मत करो, वो जा रहा, 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 वो जा रहा। उसकी पूंछ देखो, उसकी पूंछ देखो। ओ भाई साहब बहुत बड़ा है। तो तुम्हें नाग नागिन को पत्थर क्यों मारे, पागल हो क्या? अभी भाग दीजिएगा, मैं नहीं आ रहा ऊपर। अरे बेमतलब में क्यों जंगल में जा रहे हैं हम? खाली मरेंगे और कुछ नहीं होगा, रहने तो यार मम्मी खाली। चलो बात दी जाए, तीसरी बार जाओ वापस। सब डर रहे हैं ना? हाँ। नहीं मैं नहीं डर रहा। कितनी मेजॉरिटी है नहीं जाने वालों की? महा भी वो सुअर दिखाता था। नहीं जाने वाले हाथ खड़े कर लो अपने, मानसी हाथ खड़ा कर, जाना है नहीं जाना। यार कभी सुअर आते हैं कभी सांप आते हैं। चलो चलो वापस आ जाओ। अरे कहीं आगे पैर के, इधर उधर से आ गया तो, इधर से आ गया तो आपके पीछे से।
ये तो ट्रैक कुछ ज्यादा एडवेंचरस ट्रैक हो गया है। सांप, कभी भालू, कभी सुअर। स्कूल आ गया, बाघ भी यहीं आ जाएगा मम्मी अभी। खाली यार यार वहाँ पर दिखाई दिया था, पैर फटा था। वहाँ अभी देखो वो तो वहीं था नीचे। मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, जाओ जिसको जाना, मैं नहीं आ रहा। उधर सांप उधर को ही गए महाराज, कहाँ नीचे को जा रहे हो यार। वैसे वो पता है मजाक की बात नहीं है, हम पैर वहीं पर रखते, किसी का पैर काट देता तो चलो लेने के देने पड़ जाते। रहने दो यार, स्कूल भी स्कूल किसका, ये ट्रैकिंग बाद में होगी शुरू, अभी घर को चलो। नहीं 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 सेफ नहीं है यार, सेफ नहीं है बिल्कुल, जंगल है, बच्चों को कुछ हो जाए, किसी को कुछ हो जाए। मुझे नहीं लगता गाइस आगे जाना चाहिए, मम्मी जीत पड़ेगी, गाँव चलते हैं। बताओ इतने से हम अभी आए भी नहीं, आता वो नीचे घर रहा। अच्छा लग रहा है, वही छोड़ो सांप के पास, डिसाइड कर लो जाना नहीं आना है। गॉड यार क्या ही है यार हेमंत, ये मेरे साथ ही रहो तुम, मेरे को डर लग रहा है, उसको डर लग रहा है, उसको डर नहीं लग रहा, उसको डर लग रहा है। गाइस अब देखो इनको पता नहीं कौन से पहाड़ चढ़ने हैं, हालत खराब हो गई है चढ़ चढ़ के, मानसी नहीं हो रही यार हिम्मत अब। अरे यार अब अकेले भी नहीं रुक सकता, यहाँ जाना पड़ेगा, आ रहा हूँ रुक जा। अरे बाप रे, हाँ